गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो नाबू एंड भोलू और चिंटू, हम सिर्फ तीन आए हैं, बाकियों को पता ही नहीं चला, वो लोग सोते ही रह गए। और हमारे आते ही चिड़ियाँ अलर्ट हो जाती हैं, वो अपने बच्चों को बोलना शुरू कर देती हैं कि बच्चों जहाँ भी हो, दो नलायक से बच्चे गोलू भोलू आ चुके हैं। हिम्मत देख रहे हो उसकी, कितनी पास पास बैठ के जाती है बच्चों के, छेड़ छेड़ के जाती है। हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ, क्योंकि इसे पता ही पकड़ नहीं सकते। कुछ मिल जाए दोस्तों तो मुझे भी जरूर बताना, ठीक है। कितनी शिद्दत से दोनों लगे हुए हैं एक ही जगह। भोलू ने तो हाथ देखो कैसे घुमा रखा है, और टेढ़े। तो नवाब साहब आज सूंघ रहे हैं भांग, खाने का इरादा है क्या? सस्ते नशे करने आपको, लो नहीं खा रहा मैं कैसा वैसा बच्चा समझाए क्या? वही वाह, ये कहाँ रनिंग कहाँ हो रही है। तो दोस्तों आज एक और नया टारगेट मिला है मुझे, ये कलर भी अच्छा लग रहा है ना, बरसातों में इसकी कटिंग भी लगेगी। ये तो है मेरे पास। ओए गेंदे कुमार, कहाँ छिपके बैठा तू, ये रास्ते में क्यों बैठा ऐसे है? ओए टिकोमा सिंह, टिकोमा हाँ जी, अब बोलो। हाँ अब की बोलती कम होगी। अच्छा हमें डरा रही है, अच्छा बताऊँ अभी, ज्यादा क्यूट क्यूट शक्ल मत बना, पिटाई हो जाएगी। अपने गमलों वगैरह को पानी दे के उसके बाद में मैं आई हूँ नवाब की दुनिया में जीवन का ब्रेकफास्ट पकड़ाने। ये देखो ये कौन सी चिड़िया है, समझ आ रही है किसी को? उड़ ना जाए बस, उड़ गई। डॉगी द डॉगी, बगीरा, नवाब, और बच्चे कहाँ हैं? और बच्चे कहाँ हैं? आ जाओ बच्चे कहाँ हैं? और जीवन गाना बंद करना, कॉपीराइट आएगा। अरे हैची नवाब ओगी जीवन, लो भी अपना खाना पकड़ो। राधे ए हमारा बगीरा। हाँ ओले बाबा, इस लड़के के लिए नीचे एसी चल रहा है, ठीक है। और ये भाई साहब कहाँ बैठे दिख रहे हैं किसी को? ये दो छत छोड़ के पड़ोसियों की छांव में आके बैठे हैं, गली के कुत्तों की तरह। आपका घर नहीं है या घर में एसी नहीं है, बताओ मुझे। सीधे नीचे एकदम, तेरी तो टांगे मैं तोड़ूंगी, तू चल नीचे। देख आज तूने बहुत खून पी रखा है, अभी भी सोच रहा है कि जाना है या नहीं जाना है, तू चल नीचे, तुझे तो मैं बताऊंगी आज, तू चल जरा। तो भैया आ गए इधर वाईफाई कनेक्ट करने, क्योंकि हमारा वाईफाई चेंज हुआ है ना, और ये वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। मैं पकड़ रही। भाई साहब कितनी गर्मी होने लगी है, मैंने पीछे सारा क्लीन किया, मेरे को तो ये समझ नहीं आता हर दूसरे दिन बाद ये गंदा कैसे हो जाता है। जो शाम मैंने जो रायता फैलाया था ना, वो समेटा नहीं था, वो मैंने अब समेटा है, क्योंकि ऐसा होता है जिस दिन घर में सफाई नहीं होती उसी दिन कोई आता है। बची हुई मिट्टी इधर रख दी, यहाँ पे मिट्टी थी पूरी, यहाँ से साफ किया। और यहाँ पे ये दो पौधे हैं जो रिपोर्ट करने हैं, ये वाली बुगनविला येलो एंड ये पिंक, ये मैं शाम को करूँ। पौधे हमेशा रिपोर्टिंग हमेशा शाम को की जाती है, शाम को करनी चाहिए, रात को ठंडी मिलती है उनको और सुबह तक वो जड़ पकड़ लेते हैं। अगर आप सुबह रिपोर्ट करोगे तो पूरे दिन की गर्मी में वो जलने का डर रहता है। और यहाँ मैंने गेंदे के बीज इकट्ठे किए इस वाले के, कि बहुत बहुत मोटा, इतना मोटा गेंदा है ये, तो नेक्स्ट सीजन के लिए यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिए। अब फ्री होके नहा धो के पूजा करके मैं बैठी हूँ, और मैं देख रही हूँ नवाब को, और नवाब देख रहा है मुझे, क्योंकि अब टाइम है खाना खाने का, और नवाब को खाना खाना नहीं होता। तो नवाब ऐसे बिहेव कर रहा है कि मम्मी खाना पड़ेगा क्या? हाँ जी खाना तो पड़ेगा, आप मुँह छुपाओ राइट या लेफ्ट, खाना तो खाना पड़ेगा बेटा, जब तक डीजल पेट्रोल नहीं जाएगा बॉडी में गाड़ी कैसे चलेगी है। मैंने ना नवाब को घर के पार्क में पोटी करते हुए देखा, क्योंकि नवाब कभी भी ना घर पे पोटी नहीं करता है, सुसु कर लेता है लेकिन पोटी कभी नहीं करता। तो मुझे एकदम से ऐसे डाउट हुआ कि ये घर में पोटी कैसे कर रहा है। तो मैं जब आई आके मैंने देखा तो उसकी पोटी में ब्लड है। पंकज को मैंने वीडियोज़ और फोटोज़ भेजी उसकी पोटी की, तो उन डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप ना उसको ले आओ, उसकी पोटी में ना ब्लड है,
और ये मतलब किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो मैं अभी रोहन को पिक करने जा रही हूँ नवाब की दुनिया से, फिर नवाब को लेके जाएंगे। मेरे को ना बहुत अजीब सा मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट सी होगी, क्योंकि जब नवाब पे बात आती है ना कुछ समझ नहीं आता। ना वो पापा आ गए बेटा, आ गए आ गए, पापा आ गए, आ गए आ गए आ गए। घबरा क्यों रहा है बबू, घबरा क्यों रहा आप? अब चलेंगे ना डॉक्टर के पास, चलेंगे डॉक्टर के पास, बेटा पंकज के पास चलेंगे। अभी हम लोग निकल गए नवाब को लेके, और ओरियो को, ओरियो भी जाएगा साथ में। अरे ओरियो कहाँ, ओरियो कहाँ दिखता है, ओरियो भी है साथ में, और नाबू दिखाते हैं नाबू कहाँ। बंदे की गाड़ी है उसी को नीचे बिठा रखा है, हैं ओरियो ये क्या करब कांड है भाई तेरे, है भाई उसकी गाड़ी है बेटा, उसी की गाड़ी में जाता है तू 5 दिन से, और सारे बच्चे को देखो कहाँ बिठा रखा है। प्यारे बाबू बन जाओगे तुम, कह रहे मम्मा मैं प्यारा हूँ, मैं बन के जाऊंगा, मैं तो बहुत पाला पाला बच्चा हूँ, पाला पाला। ले काटू तो कर ले मम्मा को, काटू तो कर ले, कर ले काटू, काटू कर ले, काटू काटू कर ले, कर ले काटू कर ले। चलो 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 चलो, शाबाश। ये तो अच्छा हुआ सुबह के कोटी मैंने इसकी देखी थी, आज इसने पार्किंग की, मैंने घर में तो कभी करता ही नहीं है, ऐसे ही दिमाग में आएगी देख के, तो देखा तो ब्लड। और जैसे हिमशु ने मेरे को बोला ना कि इसको पोटियम ब्लड आया, तो पैरों के नीचे जमीन निकल गई, मेरा दुखी हो गया पहले, और मेरे कल से ना कल से मूड ऑफ था, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। कल से मेरे को बात कर रहा है, डिस्कम्फर्ट रहता है। हाँ डिस्कम्फर्ट था कल से, बोलना अब बोलेगा तो है नहीं, लेकिन मेरे को बात कर रहा है तो मेरे को लगा मेरे को ऐसे ही डांट रहा है, कभी कभी डांट भी देता है मेरे को। नवाब जी है ना हमारे, नवाब साहब है, मम्मा को डांटते हैं। रोहन हमें ड्रॉप करके जा रहे हैं, साथ में ओरियो भी था। रोहन जा रहे हैं नवाब की दुनिया में, जस्ट हॉस्पिटल से वापस आए, और मैं अभी खाना लेके बैठी हूँ, खाना खाती हूँ, क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था। जैसे ही मैंने देखा ना ब्लड, और डॉक्टर ने भी बोला कि आप ले आओ क्योंकि पोटी में ब्लड है, तो मेरे को एक तरह से बीपी सा लो हो गया था, रोहन की भी तबीयत से हो गई, बस लेके गए। और वहाँ पे क्या डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे, एक केस आया हुआ था, कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी थी, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम हमें वेट करना। इधर नाबू कर रहा है आराम, नाबू को ड्रिप लग गई है, और इधर हमारी विच की दीदी है, इधर हमारी विच की दीदी आराम कर रही है। हैं अब विच की दीदी के क्या हुआ, पी पैड हो गए ख़त्म, तो विच की दीदी को हम वो टॉयलेट पेपर होता है ना वो लगा रहे हैं नीचे, हैं विच की दीदी जुगाड़ कर रहे हैं ना, दीदी जुगाड़ कर रही है ना, जुगाड़ हाथ उठा लेती है एकदम, है ना। मैं दीदी ना अभी थोड़ी देर में आ रही है, हॉस्पिटल जा रही है मिर्ची को लेके, ठीक है। लो जी चलते हैं, आज मिर्ची फिर से जाएगी नवाब की दुनिया में। हम लोग ना सेम गाड़ी में 3 लोग जाएंगे, एक तो हैची, एक बगीरा जो लैबरा है, और अपनी मिर्ची। बगीरा गया कहाँ? तो मैं और मिर्ची आ गए, और हैची को हम लोग बिठा रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि हैची की तबीयत ठीक नहीं है, पोटी में ब्लड किया इसने भी नवाब की तरह, तो पता नहीं क्या वायरस चल रहा है, क्या है समझ नहीं आ रहा। इधर मिर्ची और मैं हम लोग खड़े, हम लोग बैठेंगे आगे की साइड, तो हैची को हमने बिठा दिया पीछे की तरह। हैची कहाँ जा रहे हो? बगीरा चला गया, उसके पेरेंट्स ले गए। इधर रोहन लेके जा रहे हैं उसको, इधर मेरी गोदी में है मिर्ची, और हम लोग फिर से आ गए, ये हमारी सेकंड विजिट है डॉक्टर पंकज पे आज एक दिन में। मिर्ची चलाएगी आज गाड़ी, है थार चलाएगी थार। लेकिन सर कंटिन्यू एसी में एक्चुअली में हस्कीज वगैरह ना सर जरा सा भी दर्द होता है ना तो हीट इफेक्ट कर जा रहे हैं। नवाब को सुबह, हाँ नवाब को भी है, देख रहे हो ना, वो भी लगभग एसी में ही रहता है ना। हाँ अरे मोस्टली सर एसी में रहता है, मैक्सिमम एसी में रहता है। परंतु हमारे घर का सर एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि सुबह शाम पेड़ है ना बिल्कुल ठंडा, उमस नहीं है, अच्छी ठंडी हवा लगती है, हम खुद बाहर बैठ जाते हैं। मिर्ची 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 मिर्ची
नहीं यार, उसको टिक तो नहीं है, मतलब टिक तो मैंने चेक किए हैं। वो बिहेव करते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, सबके कान गंदे, सबके दांत खराब। तो अब हम लोग निकले हैं मिर्ची का और हैची का ट्रीटमेंट करवा के। हैची को भी पोटी में ब्लड आया है, तो उसका ना ब्लड सैंपल ले लिया, इसकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी सुबह में। और मिर्ची को आज फीवर कम है, कल 105 था, सॉरी परसों 105 था, कल 104 था और आज 103 है। ये देखो हम ना वापसी में उतरे हैं, उतरे नहीं है, रुके हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। हम उतरे नहीं है, ये दिखा रही हूँ मैं, डिप डिप हो रहा है ये, हमारे ना गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं पेट्रोल डलवाते नहीं है। तो ये जो बुलेरो है ना, तो इसे मैं हमेशा से नहीं, हमेशा से मैं बोलती हूँ इसे कि पता नहीं क्यों लोगों को जी वैगन अच्छी लगती है, मुझे तो बुलेरो की कॉपी लगती है। वैसे जी वैगन की कॉपी बुलेरो ने की है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या चल रहा है लिखा ना, जी वैगन वर्सेस बुलेरो, जी वैगन वर्सेस बुलेरो। बताओ मतलब इतने इतने खराब दिन आ गए जी वैगन के, लोग अब उसे बुलेरो से, ओए 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 गाड़ी को बुलेरो से कंपेयर कर रहे हो। बट सच में मतलब किस किस को लगता है कि बुलेरो जी वैगन को देख के कॉपी की गई है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल लगता है, मुझे जी वैगन इसीलिए अच्छी नहीं लगती। तो अभी हम लोग जस्ट आए हॉस्पिटल से, और मैं जैसी उतरी तो मैंने रियलाइज किया कि मिर्ची ने मेरे ऊपर सुसु कर लिया, पूरा पजामा और शर्ट गीली हो रखी थी। जाके पजामा चेंज करती हूँ। एक्चुअली इसको ड्रिप लग रही है ना, तो इसको यूरिन भी ज़्यादा आ रहा होगा, तो इससे कंट्रोल नहीं हुआ, इसने कर लिया। गुड्डू आ गए छोकी, नीनू करके आ गए। ओए मैं बच्चा, मैं बच्चा, नीनू करके आए मेरा गुड्डा, मेरा शोना शोना काका, मेरा शोना शोना काका। आजा 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 आजा, कुछ तो करा। अरे बाबा कुर्सी चाहिए मेरे मेरे नवाब साहब को, तो बस कुर्सी चाहिए कुर्सी। हाँ एची बंद करके आए तुम, इधर देखो। अच्छा कर दिया था। मैं और नाबू बैठ के मार रहे हैं गप्पे। मैंने इसको ऐसे ऐसे टॉपिक सुना दिए, ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि मतलब मैं सो गया हूँ, मैं कुछ सुन नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ये सुन रहा है, लेकिन बिहेव ऐसे कर रहा है कि जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। मम्मा मुझे सोने दो, बहुत चलाक लोमड़ी है ये मेरी, बहुत चलाक सी, बहुत चलाक सी, बहुत पारी पारी। गुड्डू की जीव देखना, और मैं इसके पास से ना बिल्कुल भी नहीं हिल रही हूँ। और लड़के ने देखो अपनी बैंडेज तक नहीं हटाई, मम्मा ही करेगी ये काम भी। हाँ नहीं नहीं खानी है, नहीं तोड़ तोड़ के पीस पीस करके रखना है। अब खेल ले, तब से खेल रहा था, जल्दी आ वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, मेरी जगह पे आना होगा खेलने के लिए। हाँ ट्रीट मांग रहा है, ट्रीट आ जाओ, अभी पानी पी लो, पानी तो पीने दे बदतमीज। आज ही इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है, वैसे तो ठीक था, लेकिन इसको शर्म नहीं आ रही। अरे तू इनका इनका अधिकार है। कैसे उल्टा पड़ गया है ना आप। हाँ यहाँ पे बहुत ज्यादा, अभी ये टांग चलाता है ना। हाँ कभी 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 हाँ कभी कभी लेट कर सकता हूँ, मजा आ रहा है। मैं कैसे बैठ गया आराम से, क्या खुजली करते रहो, बस बातचीत मत करो। आप लोग निकालते तो नहीं, खुद निकलने देते। और अभी मैं हुई हूँ फ्री, और मैं लेके जा रही हूँ जीवन का खाना, और हैची के लिए थोड़ी सी घर की डाइट, क्योंकि उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, जो नवाब ने खाया है वही उसको खिलाएंगे। और प्रीत विहार से एक सर आए हुए थे मिलने, पहले वो रोहन से मिल के गए नवाब की दुनिया में, देन मुझसे और नवाब से मिलने आए घर पे। तो नवाब काफ़ी अच्छे से और काफ़ी खुश होकर खेला उनके साथ, क्योंकि उनके पास भी दो बच्चे हैं, वो भी हस्की हैं, तो उनको हस्कीज को अटेंड करना शायद अच्छे से आता है, तो बहुत अच्छे से वो खेला नवाब, और लग नहीं रहा था बिल्कुल कि आज बीमार है। तो अभी बस मैं जा रही हूँ ना आपकी दुनिया में, वहाँ से स्कूटी उठानी, क्योंकि आज स्कूटी वहीं पे है, उसके बाद मैं फीडिंग के लिए निकलूँगी। और खाना आज मैंने खा लिया है, और बच्चों को भी खिला दिया, और नवाब की दवाई भी खिला दी मैंने। तो मैं आ गई नवाब की दुनिया में, और आज देखो कितने आराम से दरवाज़ा खोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये रोहन ने होल्डिंग एरिया बनवा दिया है। पहले क्या होता था कि गेट खुलता था,
और बच्चे बाहर भागने की कोशिश करते थे। तो अभी ये गेट भी खुला हुआ है, अभी ऐसे हो गया, बच्चे अंदर है और ये ऐसे हो गया। ये काफ़ी टाइम से बनवाना था लेकिन वेल्डर्स आ ही नहीं रहे थे। ये सब लोग देखना कैसे देख रहे हैं मुझे। और अब मैं निकलती हूँ घर के लिए। खाना वगैरह मैंने पकड़ा दिया, हैची ने खाना भी खा लिया और जो यहाँ पे होल्डिंग एरिया बना है वो मैंने देखा, एकदम परफेक्ट। मतलब रोहन के दिमाग से मुझे यही उम्मीद थी, एकदम इवेंट वाला दिमाग चलता है, एकदम जुगाड़ू, बहुत अच्छा होल्डिंग एरिया बनाया। मैं निकलती हूँ, रोहन का खाना भी पकाना है और फीडिंग भी करनी है, तो खाना पका के फिर फीडिंग करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे रख लिया फीडिंग के लिए कट्टा, यहाँ पे रख लिया मच्छर मारने के लिए अगरबत्ती, इधर इसमें रोहन का डिनर है और ये है मच्छर मारने का देसी जुगाड़ अंडे की क्रेट, इसे जला दो मच्छर भाग जाते हैं, पता नहीं मर जाते हैं। तो मैं आ गई नवाब की दुनिया में, खाना सामान सब लेके। अरे वाह कितने मज़े से दरवाज़ा खुल रहा, कितना अच्छा लग रहा है ना, ये अंडे की क्रेट है। और सुनो खाना है आपका, खा के टाइम से सो जाना, कल सुबह डाल दो। हाँ डाल दो, कोई इशू नहीं है, कल सुबह हमें टाइम से निकलना है करनाल के लिए, तो टाइम से सो ताकि टाइम से उठ पाओ, ठीक है। क्यों आया तू, ओए क्यों आया इनके मोहल्ले में, जबकि मैं इसके पास ही जा रही हूँ मैं, पता नहीं इन्हें क्यों एक दूसरे के मोहल्ले में आना होता है, बदतमीज कहीं के, कर भी लो कुछ है भाई, कुछ कर भी लो, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ये सोशल मीडिया फाइट है, ग्राउंड लेवल पे कुछ करो तब मजा आएगा, कुछ नहीं करना इन्होंने। लेकिन क्या क्या हो रहा है, बुढ़े को इतनी परेशानी रहती है कसम से, बहुत ज्यादा। एक ये लोग ये हेयर चाट रही है। यहाँ के बाद में चार जगह और खिलाने हैं, उसके बाद में अपनी गुड्डी नाइट हो जाएगी, शुभ रात्रि, और फीडिंग भी हो गई कंप्लीट। तो गाइज फीडिंग भी डन और अब मैं आ गई हूँ विस्की के पास। विस्की तो ऐसे बिहेव करती है कि कौन हो तुम, कोई मतलब नहीं है। मेरा गुड्डू इधर है। अच्छा गुड्डू, सबको करो गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो गाइज नाबू की तरफ से आज का दिन होता है यहीं पे खत्म, कल मिलते हैं मॉर्निंग वीडियोस के साथ में। तो आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।